भूषण ज्वेलर्स। इंडस्ट्रियल एरिया बद्दी की कंपनियां आए दिन वर्करों का शोषण कर रही। ऐसा ही मामला रैकेट वैक्सीर हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का सामने आया है, जो कि पिछले 9 महीनों से कंपनी वर्करों के साथ शोषण कर रही है। कंपनी के वर्कर और यूनियन नेता ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह मामला पिछले 9 महीने से चल रहा है। हमने बद्दी लेबर विभाग को इसके बारे में अवगत भी करवाया और हमारा पिछले 9 महीने से कंपनी के साथ समझौता मामला चल रहा है। रैकेट यूनियन कर्मी के नेता का कहना था कि जब हमारा मामला लेबर कोर्ट में चल रहा है तो वहाँ पर वर्करों की जगह नए वर्कर क्यों रखे जा रहे हैं, यह सरासर गलत है। इस पर लेबर विभाग को कार्रवाई करनी चाहिए। लेबर कानून भी इसकी मान्यता नहीं देता है। कंपनी गलत तरीके से वर्करों को सस्पेंड कर रही है, जो कि लेबर कानून का उल्लंघन है। वर्करों का एक समानता कानून का यह कंपनी हनन कर रही है। 9 महीने से मतलब हमारा जो आंदोलन चला है उसमें हमने एक समझौता कॉपी जो HFL और रैकेट की जो डील हुई थी उसकी हमने समझौता कॉपी कंपनी से मांगी और लेटर के माध्यम से लेबर ऑफिस को भी अवगत कराया था, तो लेबर ऑफिसर ने उसमें इंटरफेयर अभी 9 महीनों तक नहीं किया। उसने जो फेलियर रिपोर्ट बना के शिमला भेज दी, जो मतलब जॉइंट कमिश्नर जो मतलब हमारे करोल जी है, मतलब उन्होंने भी 1-2 महीना ऐसे लटका के रखा। उसके बाद वो केस कोर्ट में जा चुका है। उसके बाद हमारे मतलब जो मजदूर साथी है, जो हमारे मतलब कमेटी का जो मेन लीडर है, उनमें से 4 को निलंबित कर दिया, जो कि प्रोडक्टिव वर्कमैन की निगरानी में आते हैं, तो उनको भी मतलब सबसे पहले कंपनी से बाहर सस्पेंड कर दिया। यूनियन नेता ने यह भी कहा कि अगर समय अनुसार सही कार्रवाई नहीं हुई तो बड़े से बड़े आंदोलन की जिम्मेदारी प्रशासन की ही रहेगी। पिछले 10 महीनों से रैकेट के अंदर जो है मजदूर अपनी कुछ मांगों को लेकर जो है मैनेजमेंट से वार्तालाप कर रहे थे, एक मांग पत्र भी सौंपा था और दुर्भाग्यपूर्ण वो मांग पत्र जो है लेबर ऑफिस के अंदर भी आया। लेकिन इस दौरान जो है जो मजदूर रैकेट के अंदर काम कर रहे हैं उनकी विक्टिमाइजेशन शुरू हो गई। 38 मजदूर जो है उनको सस्पेंड कर दिया गया, 150 से ज़्यादा मजदूर जो है उनको जो वेतन नहीं दिया जा रहा है, वहाँ काम से रोक दिया गया, अंदर उनको बिठाया जाता है। और ऐसे समय में जब कॉन्सिलिएशन चल रही है तो जो हमारे देश का कानून है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 वो स्पष्ट कहता है कि जब भी मांग पत्र पर बातचीत जो लेबर ऑफिसर के पास चल रही है तो प्रबंधन नई भर्तियां नहीं कर सकता है। आज सैकड़ों की तादाद में वहाँ अप्रेंटिस के नाम पर, ऑपरेटर के नाम पर भर्ती की गई है, उनको ठेका कर्मी बोला जा रहा है, उनको जो है अप्रेंटिस बोला जा रहा है। ये जो है चेंज ऑफ सर्विस कंडीशन है जो कानून इसकी मान्यता नहीं देता है। दूसरी ओर क्या हो रहा है कि जिन वर्कर्स को वहाँ बिठा दिया गया है उनको वेतन नहीं दिया जा रहा है। ये वेतन भुगतान अधिनियम 1936 जो है उसकी अवहेलना है। जो सस्पेंड किए गए वर्कर्स हैं, जो देश का 1946 का कानून है मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स का, उसकी जो धारा 10 है वो सबसिस्टेंस अलाउंस की बात करती है कि 3 महीने तक अगर किसी को सस्पेंड किया जाता, पहली बात तो सस्पेंड ही गलत किया गया, वो चेंज ऑफ सर्विस कंडीशन हो ही नहीं सकती थी। लेकिन अगर कर दिया तो उसके बाद जो उनको गुजारा भत्ता मिलना था 50% और 3 महीने के बाद जो है वो 75% हो जाता है, वो गुजारा भत्ता भी नहीं दिया जा रहा है। तो हम ये आज जो प्रदर्शन हमें यहाँ इसलिए करना पड़ा क्योंकि पिछले काफ़ी लंबे से समय से समझौता वार्ता चल रही है, लेकिन लेबर ऑफिस का जो दृष्टिकोण है, नज़रिया है, वो ठीक नहीं है। यहाँ मालिक जो है, प्रबंधन जो है, वार्तालाप में शामिल नहीं होते हैं समझौता वार्ता में, लेकिन लेबर ऑफिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होती है। बद्दी से रजनीश ठाकुर की रिपोर्ट।